ऐसा ही होता है, पढ़ाई नहीं तो काम ऐसा ही होता है, इसलिए हमको विद्या से कुछ नौकरी मिलेगी, नौकरी से पैसा मिलेगा, इसलिए हम कुछ प्रेम से पकड़ के पढ़ रहे हैं, भाव से नहीं। क्यों? हमारे ऊपर तो मेधा की कृपा नहीं है। यदि आपके पास स्मृति, मेधा और प्रतिभा है, उससे आपको ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान तो रसपूरित मिलेगा। आज का व्याख्यान इसके बारे में था। इसलिए योगाभ्यास करने वालों को मेधा मिलेगा। मेधा जिसके पास है वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि एक पैसा है आपके पास, वो पैसा से आप गुड़ भी ले सकते हैं, मिर्ची भी ले सकते हैं, विष भी ले सकते हैं, दवाई भी ले सकते हैं। ऐसा मेधा तो एक लक्ष्य नहीं है। यदि आप अभ्यंतरण विद्या पढ़ते हैं, अभ्यंतरण मैंने इंजीनियरिंग, अभ्यंतरण पढ़ते हैं तो आप अभ्यंतरण ही पढ़ सकते हैं, संशोधन पढ़ेंगे तो ऑडिटिंग वही पढ़ सकते हैं, अभिवक्तृत्व पढ़ेंगे तो एडवोकेसी वही पढ़ सकते हैं, वैद्य तो चिकित्सा शास्त्र पढ़ेंगे तो वही पढ़ सकते हैं। लेकिन मेधा आपका हाथ में है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कब भी पढ़ सकते हैं, जितने चाहिए उतने पढ़ सकते हैं, जब चाहिए उसको निकाल सकते हैं, वचन का रूप में, लेखन का रूप में, स्मृति से निकाल सकते हैं, वो तो मेधा है। और नया नया का उन्मेषण करना, नया नया का आविष्कार करना, वो शक्ति को हम प्रतिभा बोलते हैं। और जो कुछ हम कर रहे हैं, किए, वो सब याद में रखना और तुरंत निकालना और क्रम से बताना या दिखाना, वो शक्ति को स्मृति बोलते हैं। ये तीन योग का फल है, योग का प्रसाद है। इसलिए योग से आपको ग्रहण आदि मिलता है, विनय आदि मिलता है। ग्रहण आदि मैंने ग्रहण, धारण, मिलन, संकलन, प्रवचन, प्रयोग, एक ध्यान रख के देखना है। जो ध्यान रख के सुन रहे हैं उसको ग्रहण करना है, जो ग्रहण किए उसको धारण करना है, जो धारण किए उसको संकलन करना है, जब वो पूछते हैं तब उसको प्रवचन में नहीं तो प्रयोग में, यदि बताना नहीं तो दिखाना है। इसको ग्रहण आदि सिद्धि बोलते हैं। और केवल ये सिद्धि मात्र योग से आपको नहीं मिलती है, विनय आदि सिद्धि, विनय, भव्य, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, ये सब सद्गुणों की वो संपत्ति भी आपको मिलेगी, वो तो विनय आदि गुण बोलते हैं। केवल विनय और विद्या मात्र नहीं, नैपुण्य मिलता है, ये काम करने के लिए दक्षता और नैपुण्य मिलता है, इसके नैपुण्य आदि सिद्धि, केवल नैपुण्य मात्र नहीं मिलता है, जयादि सिद्धि, उसके लिए ऐश्वर्य, उससे ख्याति, उससे जय, उससे विख्याति, वो भी मिलता है। इसलिए जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो पढ़ाई मात्र देती है, नहीं तो वो भी नहीं देती है, परंतु योगाभ्यास में मेधा, प्रतिभा और स्मृति की शक्ति और धरणादि सिद्धि, विनयादि सिद्धि और नैपुण्य आदि सिद्धि और जयादि सिद्धि, ये सब बहुत रसपूर्वक सिद्धियों का आकार और भंडार तो योग प्रक्रिया है, इसलिए उसे सब कुछ मिलेगा। और मन में बहुत कुछ हो, क्योंकि अशांत मन, अल्पशांत मन से ही सब विकार हो जाता है। अभी ये आतंकवादी सब लोग है ना, सब लोग का बुलाइए, आपको जीवदान करेंगे और आपको जीवन के लिए मार्ग बताएंगे, ये सब बोल के बुलाइए, कितने लोग आएंगे? 10-15 लोग आएंगे। एक आदमी को जीवदान देने के लिए और खुद जीवन लेने के लिए एक मार्ग बताने वाले को सुनने के लिए 10-15 लोग ही आएंगे, लेकिन खुद उनको विनाश के लिए, खुद उनका विनाश और दूसरे वालों को, बहुत लोगों को मारने के लिए वो बुला रहे हैं। इतने लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग वहां बैठ के कर रहे हैं, उतना शिक्षण होने दिए, उतना प्रशिक्षण होने दिए, वो पद्धति बहुत अलग है। इसलिए हमारे लोग भी, वो आतंकवादी ने जैसा प्रशिक्षण दे रहा है उनसे पूछ के, नहीं तो जानकारी करके, ऐसी एक पद्धति से हम प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे उतनी वैराग्य और उतना एक त्वर भाव हम, हमारे जो शिक्षक लोग हैं वो भी रख लेंगे और हमारे जो मानवक लोग हैं, छात्र लोग हैं, उनके ऊपर भी उतना जो शास्त्र मर्यादा और विश्वास और क्रिया शक्ति, उनको भी उतनी मिलेगी। तो देख रहे ना, आतंकवाद कहां से आता है? अशांत मन से ही आतंकवाद आता है। यदि एक छोटा अशांति है उसे क्या करता है? कुछ मारता है, नहीं तो कुछ बोलता है। और बहुत बड़ा विस्तार अशांत से हजारों लोगों को मारने के लिए मन होता है, जिनोसाइड, असंख्य या सजातीय मनुष्यों को मारने के लिए वो मन आ जाता है। वो अशांत मन से 5 प्रकार का ये प्रजालोक हो सकता है। एक आदमी तो व्यर्थ, पहला आदमी का नियम क्या है? व्यर्थ, वो किसी का उपयोग नहीं है उनसे, उसको क्या बोलते हैं? व्यर्थ। दूसरा तो दुष्ट, उनसे बहुत हिंसा, पीड़न और बहुत विनाश भी होगा, वो तो दुष्ट। तीसरा तो अल्प, उनसे कुछ भी नहीं होगा, उनसे उनको होना तो बहुत ज्यादा है, उनकी उन्नति के लिए उनसे होना तो बहुत ज्यादा है, उनको क्या बोलते हैं? अल्प बोलते हैं। स्वार्थ, जो बहुत बड़ा रूप में आ जाता है
लेकिन केवल उनकी वृद्धि में वो ध्यान रखता है। अन्य अर्थ जो अभी यहां पढ़ के भारत में सब लेके विदेश में काम कर रहा है, वहां सब वहां की आर्थिक परिस्थिति तो जो बढ़ा रहा है वो तो अन्य अर्थ है, पर अर्थ में ना ये देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है। जिसके जिसका मन में शांति नहीं है, पूर्ण शांति नहीं है, जिसका मन में तो वो नियति नहीं है, यदि वो आदमी व्यर्थ होगा, नहीं तो दुष्ट होगा, नहीं तो अल्प होगा, नहीं तो केवल स्वार्थ होगा, नहीं तो अन्यार्थ होगा, न तो परार्थ और लोकार्थ नहीं होगा। ये सब मन का विकार है जिसका नियंत्रण हम बचपन से यदि करेंगे तो योगाभ्यास से बहुत बड़ा एक अच्छा संप्रदाय और समूह का विपत्ति हम कर सकते हैं। आप जानते हैं ना, बहुत बड़ा ये सब कर रहे हैं, बहुत बड़ा ये प्रजोत्पत्ति में बहुत कर रहे हैं। सर्पों की उत्पत्ति कैसा करना, यह कुक्कड़ को कैसे करना, यह कुक्कर को कैसे करना, बहुत जानवर पक्षियों का बहुत व्युत्पत्ति कर रहे हैं ना, ये सब जानते हैं। जितने अभी कर रहे हैं वो लोग बेचने के लिए, व्यापार के लिए कर रहे हैं। अच्छा सद मनुष्यों के बनाने के लिए एक प्रक्रिया है, एक संस्था है, क्या वो संस्था? तो योगा संस्था। योगा संस्था तो यदि आप जानते हैं, जो मांस भक्षिणी है उनके लिए एक अच्छा मत्स्य मिलने के लिए, सब मत्स्य का पोषण और वर्धन के लिए बहुत बड़ी संस्था रखा हुआ है, जिसमें वो विवेचन कर रहे हैं इतनी इससे बड़ी मछली कैसे हम कर सकते हैं, बहुत पुष्टिपूर्वक मछली को कैसे बन सकते हैं, बहुत लोग खा सकते हैं। ऐसा एक खाद्य मांस बुद्धि दृष्टि से मछली की वृद्धि जो कर रहे हैं, वैसा मनुष्य की वृद्धि के लिए एक ही संस्था है, वो तो योग संस्था है। अच्छा मनुष्य को हम मिलवाना, उनको बढ़ाना और पूरा ये समूह में हमारी दृष्टि रख के ये तुरंत समग्र समुदाय की वृद्धि में ध्यान करना, नहीं तो केवल एक आदमी का, नहीं तो एक समूह का, वो तो विश्वव्याप्त है और विश्व रक्षित है, केवल एक आदमी का, एक मत का, एक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। इसलिए आतंकवाद से ही इतने बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए, इसका जो मूल्य है अभी हम शिक्षा में दे दिए, इसे आप क्या करना चाहिए, ये तो अनिवार्य विभाग होना चाहिए सब पाठ्यक्रमों में, बचपन में वो विद्याशाला में बताना चाहिए। अभी तो पूछ रहे हैं ना, यदि माँ बाप कुछ पढ़े हैं फिर भी वो बच्चा को स्कूल में अनुमति मिलेगी, इसे बोलना चाहिए ये बच्चा तो यहाँ योगाभ्यास करना चाहिए, और जो माँ बाप योगाभ्यास कर रहे हैं उनको ये यहाँ अनुमति मिलेगी, क्योंकि घर में भी कराना चाहिए ना। यहाँ कुछ ना कुछ ड्रिल जैसा करके फिर घर में जाके भूल जाके वो सिर्फ दूसरा काम देखेगा, तो उसका अनुवर्तन कैसे होगा, पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए यह तो अनिवार्य विभाग होना चाहिए सब पाठ्यक्रमों में। यह सब मामूल मानुषिक बौद्धिक और शारीरिक वृद्धि के लिए जो चाहिए वो तो अलम है, वो तो बस। और हठयोग प्रदीपिका आप जानते हैं, हठयोग सिद्धि है, देशांतर संचार, ग्रहांतर संचार, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व मारण मोहन वश्य स्तंभन भेदन आक्रोशन उच्चारण विद्वेषण दूरग्रहण सारग्रहण अग्रग्रहण पूर्ण ग्रहण अपठन अनध्ययन अल्पाध्ययन लिपि पाठन मंत्रदेवता पाठन आचार्यासनी बलासनी देवदासनी आशभाषिनी, ये बहुत विद्या के ज्ञान से हम क्या करेंगे। केवल एक मनुष्य तो शरीर से, मन से, बुद्धि से मनुष्य होना चाहिए, खुद उनका उपयोग, उनका कुटुंब का उपयोग और उनका जो समूह का उपयोग और राष्ट्र का ये गौरव होना चाहिए, और दुनिया में शांति और सौभाग्य और ऐक्य प्रेम भाव होना चाहिए। उतने के लिए जो बस है वो सिखाने से बहुत कुछ होगा। इसलिए दो प्रकार का आदमी है अभी, अभी तो बोलते हैं ना, एक आदमी तो एक डिजिटल मैन और नॉन डिजिटल मैन बोलते हैं, विज्ञान का परिणाम और विकास में क्या बोलते हैं, जो तो विज्ञान शिक्षित है और अशिक्षित है, शिक्षित और अशिक्षित, ऐसा हम बोलते हैं। दो प्रकार का आदमी है, योगी और अयोगी। और सब योगी क्या करना चाहिए, योगी सिर्फ योगियों का वर्धन के लिए काम नहीं करना चाहिए, अयोगियों का वर्धन के लिए बहुत काम करना चाहिए, वो तो पूर्ण योगी है, सत्योगी है, क्या कर सकता है, उनको पंच सिद्धि है। एक पूर्ण योगी को पंच सिद्धि है, क्या क्या कर सकता है, शिक्षण रक्षण प्रार्थन, शिक्षण मैंने उनको पाठ्यक्रम बोधन करना और क्रम बताना और दिखाना, ये सब तो शिक्षण वो तो कर रहे हैं। रक्षण जो शिक्षण में है वो शिक्षण से दूर नहीं होगा, जो अभी पढ़ रहे हैं उनको प्रेम भाव से भक्ति भाव से एक आचार्य ने रक्षण करना चाहिए, जो तुम कर रहे हो वो तो दीर्घ ध्यान में रख के हमेशा करना चाहिए, वो तो रक्षण है। एक दिन सिखाना तो शिक्षण है, हमेशा दिल में रखाना तो रक्षण है, वो रक्षण तो आचार्य करना चाहिए।
और जो योग संप्रदाय में योग शास्त्र में नहीं आते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं, उनके लिए